के न्यूज खबरों की नई पहचान। कोरोना वायरस को लेकर धनबाद रेल मंडल भी अलर्ट है। रेल प्रशासन इस दिशा में कई कदम उठा रही है। DRM अनिल कुमार मिश्रा ने बताया कि डिवीजन अस्पताल में आइसोलेशन वार्ड बना दिया गया है। इसके अलावा RPF बैरक में 200 बेड की व्यवस्था कर दी गई है। ऐसे यात्री जो कि कोरोना से इफेक्टेड पाए जाते हैं उन्हें तत्काल इलाज की व्यवस्था की जा सकेंगे। उन्होंने बताया रेलवे कॉलोनी सहित धनबाद डिवीजन के मेजर स्टेशन गोमो, पारसनाथ, कोडरमा आदि जगहों पर फंकिंग की जा रही है। आगे बताया जल्द ही धनबाद स्टेशन पर बूथ बनाया जाएगा ताकि कोरोना इफेक्टेड किसी भी यात्री की जांच की जा सके। हर हाल में कोरोना वायरस को फैलने से रोकना है, इसके लिए जो भी उपाय किए जा सकते हैं वह सब प्रयास किए जा रहे हैं। कोरोना वायरस को लेकर सर रेलवे कितनी तरह से तैयार है? अभी देखा जा रहा है कि फॉगिंग मशीन भी चल रही है। नहीं, कोरोना वायरस को लेकर के रेलवे बहुत ही सीरियस है और धनबाद मंडल में हम लोगों ने काफ़ी लार्ज स्केल पर प्रिवेंटिव मेजर्स लिए हैं ताकि इस तरह के कोई भी अगर पेशेंट आते हैं तो उसको हम लोग प्रॉपरली आइसोलेशन वार्ड में रख सकें। और इस दिशा में हम लोगों ने धनबाद जो हमारा डिविजनल हॉस्पिटल है उसमें 18 बेडेड आइसोलेशन वार्ड हमने बनाया है। उसके अलावा जो है करीब 200 बेडेड हम लोगों ने चिन्हित जगह किए हैं जहां पे अगर मरीज की संख्या ज़्यादा बढ़ती है तो उनको रखा जा सकता है। जैसे हमारे एक न्यू लेडी RPF बैरक बन के तैयार है, RPSF बैरक है एक, और हम लोगों ने रंगाटार में एक नया RPF बैरक बनाया है तो उसको हम लोगों ने खाली रखा है। और हायरिंग बेसिस पे हम लोगों ने व्यवस्था की है कि अगर वहाँ ज़रूरत पड़े तो बेड और बाकी एमिनिटीज़ वहाँ पे प्रोवाइड किया जा सके। इसके साथ ही साथ हम जो हमारे रेलवे पैसेंजर हैं, हमारे रेलवे एम्प्लाई हैं, जो हमारे फ्रंट लाइन स्टाफ है, उनमें भी जागरूकता ला रहे हैं कि क्या क्या प्रिवेंटिंग मेजर लेना है। और हम लोग रेलवे स्टेशन पे जो है फॉगिंग करा रहे हैं और ट्रेनों में और कोचेज में या हमारे जो स्टेशन पे वेटिंग हॉल हैं उसमें डिसइंफेक्शन के लिए भी मेजर लिए जा रहे हैं।